फाइनली भाइयों अब हम लोग भी आ गए हैं ब्रावर पहाड़ भोलेनाथ की नगरी में। और भाई काफ़ी खड़ा चढ़ाव है ये, और सामने से गाड़ी भी आ रही है। भाई आज काफ़ी ब्रावर पहाड़ में लगता भीड़ भी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि काफ़ी लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। बस हम लोग भी पहुंचने ही वाले हैं। और भाई जब भोलेनाथ की नगरी में अगर जन्म हुआ है तो फिर तो आना बनता है भाई। और नए साल के यार पहला दिन है यार, तो भोलेनाथ का आशीर्वाद लेकर ही नए साल का स्टार्टअप करेंगे। और कुछ लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं शायद, लगता है बर्थडे पार्टी। तो यार चलते हैं फिर ऊपर में, फिर आप लोग से मिलते हैं। और भाई यार व्यू चेक करो कितना बढ़िया है यार, जंगल के बीचों बीच में रास्ता, काफ़ी अच्छा लगता है। और यार ऐसी जगह पे हमारा जन्म हुआ है, इससे बड़ा चीज़ मेरे लिए और क्या हो सकता है कि भोलेनाथ की नगरी में मेरा जन्म हुआ है। और भाई यार रास्ता कितना अच्छा था पहले, और रास्ता पूरा ख़राब हो गया। इस पे बिहार सरकार को यार थोड़ा सा नज़र देना चाहिए, क्योंकि भाई इससे बिहार में काफ़ी अर्निंग होता है ब्रावर पहाड़ से। और भाई अगर यहाँ से किसी चीज़ का अगर स्रोत है तो भाई कुछ तो इन्वेस्ट करना चाहिए अभी बिहार सरकार को। और भाई किया था, बट ठेकेदार जो होते हैं छोटे मोटे लोग, उन लोग की वजह से ऐसा हो जाता है। क्योंकि ये रोड हार्डली सार्डली लगता है कि 1 ईयर पहले बना होगा, बट इतना जल्दी ख़त्म हो गया सारा रोड। तो भाई अगर पूजा के स्थान पे अगर लोग ये घोटाला कर रहे हैं तो भाई उनसे क्या ही उम्मीद किया जाए, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। और भाई ये पतला गंगा के रास्ता जाता है और गौ घाट की ओर, तो हम लोग गौ घाट की ओर से ही चढ़ेंगे आज। आप लोग ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिए और देखिए। और भाई चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, सिर्फ आप लोग वीडियोस देख रहे हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। फाइनली यार बाबा के नगरी में आ गए, और भाई काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि भाई आज इतना फोर व्हीलर ही नीचे दिख रहा है, तो यार बाइक्स तो कितना होगा। और भाई यार पार्किंग का भी जगह नहीं है, मेरा गाड़ी कहाँ रहेगा मुझे भी नहीं पता। भाई गाड़ी को पार्क करके आप लोग से मिलते हैं। भाई यार अपना गाड़ी पार्किंग यहाँ पे होगी, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ है भाई। और अब चलते हैं ऊपर में ब्रावर पहाड़, ऊपर ट्रैक करना पड़ेगा हम लोग को, और फिर बाबा से मिलते हैं वहाँ पे जाकर। भाई आज इतना भीड़ है यार कि कहना नहीं, ऐसा लग रहा है कि आज सावन का जो महीना होता है उस समय इतना भीड़ होता है जितना आज यहाँ पर इतना भीड़ है। और भाई कोई काम भी लगता है चल रहा है किसी चीज़ का यहाँ पर। और भाई यहाँ से अपना होता है स्टार्ट ट्रैकिंग, चलते हैं यार महादेव के पास और फिर वहाँ पे जाकर दर्शन करेंगे भोलेनाथ का। यार आ गए हम लोग ऊपर में, और उधर से जो राइट साइड से जो लोग आ रहे हैं वो पतला गंगा की तरफ से आ रहे हैं, और हम लोग जा रहे हैं गायघाट की तरफ से। सो यार काफ़ी इजी रास्ता ये है ब्रावर पहाड़ मंदिर के पास आने का, ये रास्ता सबसे इजी है। और सबसे टफेस्ट में है पतला गंगा वाला, काफ़ी ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आने पड़ती है, बट ये बहुत इजी है। मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप आ रहे हैं ब्रावर पहाड़ तो आप इसी रास्ते से आएँ, बेटर होगा आपके लिए। फाइनली यार ऊपर हम लोग आ गए मंदिर के पास में, अब चलते हैं फूल और प्रसाद किनते हैं और फिर मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे भाई, और काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। चल चलते हैं मंदिर के पास। भाई यार जिस किसी का यार डर था वही हुआ, लाइन लगा हुआ है। चल भाई हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलिए
ज्यादा भीड़ है भाई, इसी तरह भी दर्शन हो गए बस भोलेनाथ के। अब चलते हैं बाहर, आप लोग से मिलते हैं। टाइम 2 बज गया है लेकिन अभी भी भक्तों का हुजूम अभी लगा हुआ है और काफी ज्यादा क्राउड अभी भी है भाई। फाइनली यार आ गए अपने गाड़ी के पास और ये रही अपनी कार। सो यार अब ब्लॉग को एंड करते हैं भाई, जैसा भी हुआ दर्शन अच्छा हुआ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।